हेलो दोस्तों, नवाजुद्दीन की अड्डी फिल्म रिलीज हो चुकी है सिनेमाघरों में। ट्रांसजेंडरों पर आधारित फिल्म अड्डी काफी ज्यादा पसंद आई। भाई यार, ये ट्रांसजेंडर क्या होते, फायदे इंजरे होते, मेरे को मालूम नहीं भाई पूरा। तो फिल्म दिल्ली और नोएडा के भीतर ट्रांसजेंडर की दुनिया के बीच अपराध की दुनिया के नंगे अवतार में पेश करती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर यानी इंजडो की कहानी। वही नवाजुद्दीन ने शीशे का रोल भी काफी अच्छा निभाया था मूवी में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप की जोड़ी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फिल्म में नवाजुद्दीन विलेन बने हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ट्रांसजेंडर का रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पहली बार अड्डी फिल्म में किया है। और आज दोस्तों जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी के लिए दिल से लाइक सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। भाई यार, अड्डी नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म में अनुराग कश्यप से बदला लेना चाहती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म में मोटा मोटी बदले की कहानी चल रही है। फिल्म 2 घंटे 14 मिनट की शुरुआत में आपको कहानी समझने में काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। भाई यार, फिल्म का वो सीन काफी ज्यादा डरा दिया था जिसमें हड्डी को काफी गोलियां लगी हुई हैं। आखिरकार यार भाई, वो हड्डी कैसे बता, इतना ज्यादा फोक्ड हो गया मैं तो मूवी देखकर। यार फिल्म हड्डी की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसका परफॉर्मेंस आपको निराश नहीं करने वाला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जान फूंक दी भाई यार हड्डी फिल्म में। फिल्म का म्यूजिक भी काफी ज्यादा दमदार लगा। भाई यार, आधा घंटा तो एकदम बोर हो गए थे पर आखिर में काफी ज्यादा मजा आया। क्या दोस्तों, आपने भी हड्डी फिल्म देख ली तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हड्डी मूवी का रिव्यू कैसा लगा दोस्तों ये भी बताएं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई फाड़ दौड़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स, लव यू। वाह यार, क्या हड्डी अड्डा फिल्म में मजा आ गया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।